इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। यस बैंक स्टॉक के बारे में, स्टॉक में एक शानदार अपडेट हमने देखा था, उसके बाद अगेन इस स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिख रहा है और ओवरऑल इस स्टॉक को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज स्टैंड होते हुए दिख रहा है, जिसका हो सकता है कि इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पे बहुत जल्दी नहीं दिखे, लेकिन मीडियम को लॉन्ग टर्म में दिखने वाला और फंडामेंटल लिए बैंकरों करते हुए दिख रही है। इसके जो बैड लोन है, जो बैड सिर्फ लगभग मोर थान 5,000 करोड़ के जो फंड है उसको ये ट्रांसफर करने जा रही है। NRC और जो नेशनल रिकॉर्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है और जो फंड राइट की जाएगी वो या तो राइट इश्यू आएगा या फिर क्वालिफाइड सूचना प्लेसमेंट के थ्रू जो भी फॉरेन फंड आएंगे उससे पहले ही अपने बुक को क्लीन करने के लिए ऐसा कार्य कर रही है, जिसका इनफैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में श्योरली देखने को मिलेगा और ओवरऑल टेक्निकल इस स्टॉक में देखेंगे तो आज का भी वॉल्यूम लगभग 5 करोड़ के आसपास का रहा है और इस समय अगेन ये स्टॉक अपर ट्रेंड के बाद 17 रुपए तक के टारगेट के बाद एक कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है और 13 रुपए का सपोर्ट स्ट्रॉन्गली है। अगर आप मीडियम को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो श्योरली ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। 11 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस को लगा करके पहला टारगेट 20 से 22 रुपए विद इन मैक्सिमम 2 मंथ और दूसरा टारगेट जो विद इन 2 ईयर के लिए होगा वो 80+ तक के टारगेट्स भी स्टॉक में देख सकते हैं। जी, इस प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज कंटिन्यू स्टैंड होते हुए दिख रहा है।